कलेक्टिव एनएसपी ने किया तराना का दौरा, सिविल हॉस्पिटल एवं सलक्ष हॉस्पिटल का भी किया निरीक्षण। तराना में लगातार कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी महावीर खंडेलवाल के साथ तराना का दौरा किया। सर्वप्रथम कलेक्टर ने सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, उसके बाद एसडीएम कार्यालय पर सभी अधिकारियों की एक बैठक लेते हुए कोरोना से बचाव एवं व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आदेश दिए। वहीं उन्होंने लक्ष्मीपुरा स्थित सलक्ष हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि तराना में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। उनकी रोकथाम को लेकर आज तराना का दौरा किया है, वहीं कोविड वार्ड के लिए सलक्ष हॉस्पिटल का दौरा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर कोरोना के चेन को किसी भी हाल में रोकना होगा। मार्कडॉन से ललित परमार की रिपोर्ट। तराना में पिछले कई दिनों से कोरोना के केसेस काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं और कल खासतौर पर 34 केसेज यहाँ पर देखने को मिले, जिनमें से 25 केस जो हैं वो तराना कस्बे के हैं और बाकी जो हैं वो गाँव के हैं। और निश्चित रूप से ये अलार्मिंग सिचुएशन है, गंभीर स्थिति है, हमको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। 3-4 प्रकार के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं पूरी टीम को। सबसे पहले तो जितने भी लोग फीवर क्लिनिक में आते हैं, अपनी बुखार की दवा लेने के लिए आते हैं, उनको कुछ कोरोना के जैसे सिम्टम्स हैं, उन सभी का टेस्ट होना चाहिए। इसके लिए जो एक रैपिड एंटीजन की किट्स होती हैं वो आज ही यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएंगी, उसमें आधे एक घंटे के अंदर ही हमको रिजल्ट पता चल जाता है। तो जितने भी लोग फीवर क्लिनिक में आएंगे सभी का हम लोग टेस्ट करेंगे। अर्ली अगर डिटेक्शन हो जाता है, दवा चालू हो जाती है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति की हालत बहुत अच्छी हो जाती है, उसको उसकी स्थिति गंभीर जो है बहुत कम केसेज में ही होती है। और इस तरीके से न केवल संक्रमण रुकेगा बल्कि अगर किसी की हालत गंभीर हो रही है तो उन पर भी बहुत ज़्यादा हद तक लगाम लगेगी। और अगर अभी आप देखें तो वैक्सीनेशन सबसे उचित उपाय कोरोना रोकने का, एक बार अगर सभी 45 के ऊपर वाले वैक्सीनेट हो गए तो उन लोगों को सुरक्षा मिल जाएगी और उसके बाद कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो विशेष तौर पे आपके मीडिया वालों से मुझे अपील है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें कि हर आदमी वैक्सीनेशन कराए। कई जगह भ्रांतियाँ फैलाई जा रही, उसको किस तरीके से निकाला, कई जगह भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। अब उसको भ्रांतियों को निकालने के लिए हम आपका सहारा ले रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भ्रांति हो आप तुरंत मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हर भ्रांति का मेरे पास समुचित जवाब है। और वैक्सीनेशन अपन बच्चे टीका लगवाते हैं, ये टीका ही है, जब बच्चे टीका लगवा सकते हैं तो बड़े तो आराम से लगवा सकते हैं। थैंक यू।